हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। कौन साहब बोल रहे हैं, कहाँ से? डॉक्टर साहब जावेद इकबाल बोल रहा हूँ, कराची से। जी जावेद साहब, क्या हाल है कराची का? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह की दुआएं आपके। बस उधर भी लगता है तब्दीली आ गई है कुछ है। आपकी दुआएं चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा। फरमाए। मसला है कि मैं हूँ फैसलाबाद में, अपना 147 समुद्री। हाँ जी। वहाँ मेरा गांव, मैंने ना वहाँ 2-3 कनाल में ना कोई थोड़े जानवर रखे हैं, कटड़े 25-30। अच्छा, वेरी गुड। तो 6-7 माह हो गए हैं। हाँ जी। तो मैंने यहाँ पे काफी प्रोग्राम देखे, मैंने उसी हिसाब से जो ना उनकी फीड जो है ना वो बनानी शुरू की थी। अच्छा अच्छा। मतलब जो फार्मूला आपका है, पनौला है, सीरा है। हाँ, वो सारा मैंने जो वनडे दिए हुए हैं फरबा करने के। मैंने आपसे लिखे जी 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 जी। अच्छा डॉक्टर साहब, उसमें मैं यूरिया नहीं डालता है? और ना डाले ना, कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब थोड़ी सी ये है कि उसमें कोई ग्रोथ नजर नहीं आ रही 3 माह से। ग्रोथ नहीं, ग्रोथ हो जाएगी। उसकी अगर पूरी फार्मूला उसमें यूरिया है, यूरिया ना हो ना, तो उसमें थोड़ी सी खल की निस्बत थोड़ी सी बढ़ा दे खल। अच्छा, मैंने तो खल दोनों डाले। अच्छा, मैं तो डॉक्टर तोरिया भी डालता हूँ, जो सरसों होती है ना। हाँ मेरी जान, वो भी ठीक है ना। सोरिया तोरिया की खल, तोरिया खल बनोला दोनों ठीक है। दोनों दोनों डालता हूँ, बिल्कुल डालता हूँ। चावल पॉलिश डालता हूँ। हाँ। और प्लस गंदम 100 किलो में 10 किलो और मकई 10 किलो। वाह वाह। ओ, मेज ग्लूटन भी मिल जाता है उधर ना, फैसलाबाद में। वो रफान कार्न ऑयल वाले है ना, वो नहीं डालता, मेज ग्लूटन डालता। वो ले लें उधर से, बड़ा सस्ता मिल जाता है। वो एक फैसलाबाद बंदे किसी को भेजे ना, ये जाते रहते होंगे उधर, जब भी कोई जाए तो उधर है, वो वहां से ले ला सकता है आराम से। रफान वालों से मिलता है, उनके प्रोडक्ट्स जहाँ बिक रहे होते हैं ना, वो वहां से मिल जाएगा। हाँ जी। अच्छा, मतलब मेज ग्लूटन लाजमी है? लाजमी नहीं, मकसद ये है कि अच्छा है उसको, फिर और बढ़ोतरी अच्छी हो जाती है उनकी, उनको ताकत मिलती है। शीरा भी, शीरा, हाँ शीरा भी उधर मिलता है, शीरा भी डाल। शीरा है हमारे घर के, वो खा लेता है, वो टेंशन नहीं रखता। वेरी गुड वेरी गुड, डाले हैं जी। हम जट बरात नहीं है, टेंशन नहीं करें। मख्तार का बंदा डाल रहे थे डॉक्टर साहब पहले ना। अच्छा। तो वो ना कुछ वो ज्यादा या तो यूरिया डालता है या कुछ बटामर डालता है। हाँ जी। लेकिन मैं खाली डीसी भी डालता हूँ। अच्छा। मिनरल मिक्स मैंने कोशिश की है फैसलाबाद से, कहीं दोस्त से मिलते हैं। हाँ, अपना भी केमिकल का कारोबार है, मैं मंगाता हूँ बाहर से, चाइना से केमिकल। अच्छा, वेरी गुड। मुझे 20-25 साल हो गए यहाँ पे डॉक्टर, आपकी दुआ से। वेरी गुड वेरी गुड। तो इधर कराची में रहते हैं? किधर है? मैं कराची होता हूँ, इम्पोर्ट करता हूँ, मैं बेचता फैसलाबाद लाहौर ही। नहीं, इंडस्ट्री को देता हूँ। रहते किधर है कराची में? मैं सर कराची में रहता हूँ, सकी असर में, नॉर्थ कराची में। अच्छा, नॉर्थ कराची में। चले, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। और यहाँ भी आता हूँ, 2 महीने बाद पंजाब भी आता हूँ। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। जाहिर है यहाँ भी माशाल्लाह सेटअप आपकी दुआएं से अच्छा है, वहाँ भी अच्छा है। तो सुनता भाई जरा फारे था डॉक्टर साहब, इसलिए ना मैंने उसको ये लाइन में लगाया, मगर नहीं, बड़ा अच्छा किया। और उसको तो समुद्री में तो बड़े बड़े अच्छे कबड्डी के प्लेयर भी हैं, उनको कह जरा कबड्डी भी देखा करे। नहीं नहीं, बड़े समुद्री में बड़े बड़े अच्छे, मैंने देखा है ना, क्योंकि मैं पुराना स्पोर्ट्समैन हूँ, तो मैंने एक कबड्डी का इश्क एक चैनल है इसका बाकायदा, वो कबड्डी के लेटेस्ट में प्रोग्राम देखता रहता हूँ। मैंने कहा बजाय इसके कि मैं इन वक्त जाया करूँ, ये डिस्कशन प्रोग्राम देखूँ या सियासत देखूँ, सियासत बेहतर है, स्पोर्ट्स के प्रोग्राम देखूँ। और फिर मुझे ये बताएं कि मिनरल मिक्सचर नहीं डाल रहे ना? कोई बात नहीं, मिनरल मिक्सचर नहीं डाल रहे तो डीसीपी पाउडर ले आए, वो तो मिल जाता है। मैं पूरा 100 किलो, 100 के हिसाब से 1 किलो डाल रहा हूँ डॉक्टर साहब। वेरी गुड, तो ठीक है बस। और कोई डॉक्टर से और चीज पूछनी है? जी जी जी, फरमाए। वो
ये है कि जो खाना ना बनाना वो सख्त होती है। हाँ जी, वो किसी चक्की में या चाइना की चक्की में ग्राइंडर जो नहीं कर रहा वो ग्राइंड। अच्छा तो कोई नहीं, वो मैंने भाई को बोला था कि जब आप फ्राक डालो ना उससे 2 घंटे पहले उसको 3-4 किलो को भगो दो फिर उसके साथ ही डाल दो। हाँ ये है, ठीक है जी, ये भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वो नरम हो जाएगी। और ये इस तरह कर लेते हैं, या फिर पता क्या है, या थोड़ा सा चूंकि आप अल्हम्दुलिल्लाह समझदार भी हैं और वहाँ से लाते भी चीज़ें हैं, एक खल खल जो होती है ना कॉटन वाली, ये के बनोला खल बनोला ये होती है छिलके वाली, एक होती है बगैर छिलके के, वो होता है, वो थोड़ा सा महंगी मिलती है और लेकिन उसकी प्रोटीन उसमें ज़्यादा होती है, परसेंटेज प्रोटीन परसेंटेज ज़्यादा होती है, और उसको कहते हैं खल बिनोला की बजाय बिनोला मील कहते हैं, कॉटन मील, कॉटन मील मकसद ये। हाँ वड़ेवे, नहीं वड़ेवे तो सीड होते हैं ना, वड़ेवे मीन्स जो होते हैं ना जो जिनके ऊपर कॉटन है, नहीं नहीं वड़ेवे वो होते हैं जिनके ऊपर कॉटन है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि प्रोग्राम मेरा पूरी दुनिया देखती है तो उसमें बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगी, जो कॉटन को जिनके ऊपर लगी होती है, कॉटन नहीं उतरी होती वो, क्या हाँ वो ये नहीं, वो वड़ेवे हैं, ये वड़ेवे मीन सीड्स, लेकिन ये होता है खल होती है बिनोला की लेकिन बगैर छिलके के, उसका छिलका नहीं होता, वो छिलके वाली सख्त होती है, उसको थोड़ा ग्राइंड करना बड़ा मुश्किल होता है जरा थोड़ा सा, लेकिन नहीं उसमें नहीं पीसना, ठीक अपना ग्राइंड वहाँ से फैसलाबाद से मिल जाते हैं ग्राइंडर ले आए अपनी, हाँ वो ग्राइंडर बना के रख लें वो ज्यादा बेहतर है। मुझे सारी मालूमात मिल गई थी जी, मुझे ना थोड़ा सा आज हुआ कि भाई ने बोला कि उसके ना कोई वो इंक्रीमेंट नहीं आ रहा, कंधे मतलब बढ़ नहीं रहे, जैसे मुख्तार का बटा डालते हैं ना तो उसमें ज्यादा जल्दी में, अगर बेटा उसमें वो होता फर्टिलाइजर वगैरह डालते हैं इसलिए वो इम्प्रूवमेंट करती है। नहीं नहीं वो इस तरह है कि मुख्तार का वनडे की बजाय ना अपना जाट वंडा ही रख ले, बना ले अपना ही अपना आपका जो प्रोग्राम ना मैं लाइक किया एक एक चीज भारतीय मेरे पास यूट्यूब पर ये डाल रहा हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बात करके जरूरत नहीं पड़ी, आज मुझे इतनी पड़ी कि मैं पूछूं डॉक्टर साहब को ऐसी कौन सी चीज छोड़ रहे हैं जो नहीं 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 बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बस थोड़ी सी प्रोटीन ज्यादा कर लेंगे और डीसीपी पाउडर जब ज्यादा कर लें ना थोड़ा सा, बेशक और थोड़ा सा उसमें ऐड कर लें और उस हाँ कोई हर्ज नहीं, बल्कि 1 किलो की बजाय 2 किलो कर दें, जो फरबा करना है ना मोटा फरबा ताजा करना है और बोन के लिए उनके लिए कैल्शियम की ज्यादा जरूरत हो जाती है, तो आप थोड़ी सी हाँ जी नुकसान नहीं है इंशाल्लाह, फायदा ही फायदा, मैंने आपके फार्मूले पे किलो रखा हुआ नहीं नहीं मेरी जान मेरी कौन सी हदीस है, मैं एक रेंज देता हूँ, मैं कहता हूँ 1 से 2 किलो का हाँ सही है, हमें पता ट्रैक्टर में चल रहा है लेकिन ये जानवरों के लिए तो मुझे जरा थोड़ी सी होती है कि जरा वो सोच के चलने से, बिल्कुल वो असल में होता है, मैं फार्मूले जब देता हूँ ना तो उसमें ये बड़ा ख्याल रखता हूँ कि यार किसान के जेब पे बोझ ना पड़े ज्यादा, उस पे अगर ज्यादा कॉस्टली चीज बन जाए ना तो फिर वो भी मजेदार नहीं, मकसद ये कि इकोनॉमिकल होनी चाहिए चीज, ठीक है। तो डॉक्टर जैसे सरसों निकली थी ना जैसे सीजन में, हाँ जी, तो मैंने सरसों लेनी थी कि वो भी जानवर है उनको सर्दी गर्मी में, हाँ बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छा, मतलब देखे वो भी हमारी तरह है, हम उसके ज्यादा करें क्यों करें, हमने जब एक काम करा तो अच्छे तरीके से करें, हाँ जी, तो
अच्छा वेरी गुड वेरी गुड। उसके साथ ही वो जो ना दलिया बन जाता है वही डलवा रहा हूँ मैं। ठीक है बहुत अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। ओके दुआओं में याद, मोस्ट वेलकम एवर वेलकम। और चैनल तो वैसे आपने सब्सक्राइब भी किया हुआ है सारा कुछ वो हाँ नहीं वो बेल बेल वाले को दबा देंगे ना तो फिर ये सारी जितनी भी नोटिफिकेशंस होती हैं ना वो भी आती रहती हैं भले आप ना देखें लेकिन वो आपको हाँ है इंशाल्लाह। आज समुद्री वाला भी देख लेंगे ये प्रोग्राम। ओके अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह।